अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार से झटपट से बनने वाले शाही टुकड़े। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने अपने ब्रेड के स्लाइसेस को कट करना है। मैंने यहाँ 8 पीस लिए हैं जिनको मैंने 4 ट्रायंगल शेप के पीसेस पे काट लिया। इसी तरह हम सारे काट के रख लेंगे। उसके बाद हमने घी गर्म करना है किसी भी सॉस पैन में, और उसमें हमने इनको फ्राई कर लेना है। हर पीस को हमने 2 से 3 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन होगा इनको निकाल लेंगे। यह हमारी ब्रेड अच्छे से फ्राई हो गई है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह हमने सारे पीसेस अपने जो है फ्राई कर लेने हैं। अब एक पैन में हमने 1.5 लीटर दूध डालना है, इसको बॉईल कर लेंगे। जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें 1/2 कप शुगर डालेंगे और 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, और अच्छे से इसको बॉईल कर लेंगे 3 से 4 मिनट। जो हमारा 1.5 लीटर दूध था उसमें से ही मैंने 4 टेबलस्पून मिल्क अलग निकाल लिया था पहले ही, और उसमें मैंने 6 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर का डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रहे इसमें, और इसको हम अपने दूध में डालते जाएंगे और साथ साथ विस्क की मदद से इसको हिलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम कुक कर लेंगे 5 से 6 मिनट। जैसे ही हमारा कस्टर्ड थोड़ा सा थिक होने लगेगा, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी, तो चूल्हे से उसको उतार लेंगे। अब अपना सर्विंग बाउल लेंगे और उसमें ब्रेड को सेट कर लेंगे, और हमें कस्टर्ड जो हमने बनाया वो हमें गरम गरम ही इसमें डालना है ताकि वो ब्रेड जो है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। अब इस तरह मैंने सारा एक लेयर में लगा दिया, फिर सेकंड लेयर में फिर ब्रेड लगाऊंगी और उसके ऊपर से फिर से कस्टर्ड को इसमें डालूंगी। इसके बाद इसको गार्निश कर लेंगे कुछ कटे हुए बादामों के साथ। आप कोई और ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये हमारे मज़ेदार से शाही टुकड़े रेडी हैं। इसको सर्व करें 2 घंटे अच्छी तरह से ठंडे होने के बाद, और इन्जॉय करें। बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान सी है। ज़रूर ट्राई करेगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।